तो देख सकते हैं दोस्तों, मिश्री फूल तोड़ रही है, उसके पापा रेडी हो गए हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दिवाली मना रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 22 जनवरी और आज क्या है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर आज उद्घाटन हो गया दोस्तों, बहुत खुशी लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है जरूर बताना, और क्या क्या कर रहे हैं आज जरूर बताना। तो चलिए फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं आज दिखाते हैं, है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, आज बढ़िया धूप निकला है, मस्त धूप है आज, मजा आ रहा है। मिश्री कितनी खुश है? बहुत। क्यों है? क्योंकि राम मंदिर बन गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं रतनपुर, और रतनपुर में पहुंचते ही हम लोग को मिल गया प्रसाद। हम लोग खा लेते हैं यहाँ प्रसाद, रुके हैं थोड़ा सा। तो बूंदी का प्रसाद है ये देखिए, और मेरे लिए भी है यहाँ रखा हुआ है। तो हम लोग प्रसाद और साथ खाए दोस्तों, उसके बाद फिर से निकल गए। और ये हम लोग पहुँचे हैं अभी भैरव बाबा के मंदिर के पास, पर यहाँ हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग सीधा राम मंदिर जाने के लिए निकले हैं। तो रास्ते में अब ये है महामाया मंदिर, महामाया मंदिर जाने का रास्ता है। हम लोग महामाया माता के पास भी इस बार नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग सीधा राम टेकरी जा रहे हैं। राम टेकरी में राम जी का मंदिर है बहुत अच्छा, तो वहीं जा रहे हैं दोस्तों। राम टेकरी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, पहाड़ के ऊपर राम जी का मंदिर है, उसी को राम टेकरी बोलते हैं। देख सकते हैं कितना ऊपर है। तो चलिए चलते हैं, ये देखिए पूरा गाड़ी वाड़ी गया है, सब नीचे उतर रहे हैं। बहुत ऊपर जाना है, पहाड़ के ऊपर जाना है, गाड़ी से ही जाके देखते हैं हम लोग का स्कूटी चढ़ पाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर चढ़ ही गए आखिर में। अब देख सकते हैं कितने लोग आए हैं यहाँ, अच्छा भीड़ है यहाँ आज। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, अभी ऊपर है हम लोग पहाड़ के, बहुत मस्त लगता है यहाँ आकर के दोस्तों। और चलते हैं अंदर। मैं ना बिंदी लगाई थी, पर मेरा बिंदी चश्मा में हो के गिर गया, मास्क भी लगाई थी तो, और चश्मा में तो गिर गया। अयोध्या में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए हैं, वहाँ की आनंद परम आनंद और प्रेम के सुख में खुले हुए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, भोलेनाथ साधु मगन मन से मस्त हुए जलियों में। चलो उस
दोस्तों देख सकते हैं मंदिर कैसा बना हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ये राम टेकरी बोलते हैं, राम टेकरी मंदिर है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ घूम करके, अंदर को तो नहीं लेने दिए मूर्ति का, जो राम जी का मूर्ति है उसका कोई वीडियो वगैरह मत बनाना करके मना कर रहे थे, तो राम जी सीता जी लक्ष्मण जी का मूर्ति है अंदर में, पर नहीं लेने दिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा से सजाए हैं, और इधर भी सब लोग घूम रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और इधर चलते हैं दोस्तों, जो गेट दिख रहा है, हम लोग इधर से नहीं आए हैं, उस साइड से आए हैं, तो इधर चलते हैं, इधर सीढ़ी वगैरह है, क्या है देखते हैं। ये देखो दोस्तों, इन लोग फोटो खिंचवाने के चक्कर में किधर जा रहे हैं। बैठो ना वहाँ उधर, डर रही है मिस्ट्री। देखो दोस्तों इन लोग वहाँ चढ़ के फोटो खिंचवा रहे थे, मिस्त्री डर रही है, वो नहीं जाऊंगी करके नहीं गई उधर, जबकि उतना ऊंचा नहीं है ये, दे जैसे चल के आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग उधर से गाड़ी से आए हैं, और इधर सीढ़ी सिस्टम है, तो चल के आएंगे, उन लोग के लिए चढ़ के आना पड़ेगा सीढ़ी से, दूसरा साइड है, इधर से भी आ सकते हैं। हो गया दोस्तों दर्शन, अब जा रहे हैं घर, वहाँ से जाएंगे अभी बिलासपुर, अभी हम लोग हैं रतनपुर में। प्रसाद में देखिए दोस्तों कितना नीचे है, यहाँ पर डर लगता है मेरे को।
देख सकते हैं दोस्तों, यही गए थे हम लोग, ये पहाड़ में चढ़ाए थे गाड़ी को, हम लोग भी चढ़े थे। ये है मंदिर।